मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी और अब इसको मैं गार्निश कर दूंगी। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। नमस्ते, मैं सुमनता दीक्षित। आजकल आम का सीजन चल रहा है, क्यों ना आज मैंगो केसरी बनाया जाए। इसको आप रवा मैंगो हलवा भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए 3/4 कप सूजी, 1.5 कप कटा हुआ आम, 1.5 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच काली और गोल्डन किशमिश, 3-4 इलायची और कुछ धागे केसर के, और चीनी आधा कप। इसको अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। अब मिक्सी के जार में ये कटे हुए आम डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे, इलायची को छील के डालेंगे इसके अंदर, केसर के धागे भी डाल देंगे। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। इस पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूंगी। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब इसमें मैं घी डाल दूंगी। अगर घी डालना चाहते हो तो घी डाल सकते हैं, या कोई फ्लेवर ऑयल जो है वो भी डाल सकते हो आप। आधा कप देसी घी लिया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया है बाद में डालने के लिए। घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं ये काजू डाल दूंगी और किशमिश भी डाल दूंगी इसके अंदर। काजुओं में लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। किशमिश को मैंने पहले ही निकाल लिया है, ये लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं, इनको निकालेंगे। अब इस घी में इस सूजी को डाल देंगे और इसको भूनेंगे लगातार चलाते हुए। जैसे ही इसमें से घी अलग होना शुरू हो जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे और ये जो पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था इसको भी डालेंगे। ये पानी जो है बहुत सावधानी से डालना है, गर्म है ये। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। काजू और किशमिश डाल दूंगी, थोड़े से बचा के रखूंगी गार्निशिंग करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, नहीं तो हलवा बाद में ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है। इसको आप मैंगो केसरी भी बोल सकते हो, रवा मैंगो हलवा भी बोल सकते हो, जो कि बन के तैयार है। अब इसमें ये जो बचा के घी रखा हुआ था वो डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। टेस्टी टेस्टी मैंगो केसरी बन के तैयार है। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।